हाय, गोदावरी किचन में आप सब लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं नाश्ते में मेथी का लच्छा पराठे बनाने जा रही हूँ। हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं और 1 कटोरी हम बेसन लिए हैं। बेसन डालने से कुरकुरा होता है अच्छा और टेस्टी भी लगता है। और 1 कटोरी हम मेथी भाजी लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिए हैं और थोड़ा उसका पानी निथारने दिए, फिर बारीक बारीक करके काट लिए हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसको हम किस के डाल रहे हैं। 3 हरी मिर्च है उसको बारीक बारीक टुकड़ा में काट लिए हैं और डाल रहे हैं। थोड़ी सी हरा धनिया है उसको हम बारीक बारीक करके काट लिए हैं और डाल रहे हैं। और इसमें 1 चम्मच नमक है स्वाद अनुसार डाल रहे हैं। और 1 चम्मच अजवाइन है इसको हम थोड़ा पीस के डाल रहे हैं। 1 चुटकी हींग है इसको हम डाल रहे हैं क्योंकि हम बेसन लिए हैं, हींग का डालना अच्छा रहता है। 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला है इसको हम डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है इसको हम डाल रहे हैं। 1/4 जीरा पाउडर है, 1/4 सौंफ का पाउडर है और 1/4 हल्दी है और 2 चम्मच हम मोयन के लिए तेल ले रहे हैं। और इसको हम अब अच्छे से मिला देते हैं। तेल थोड़ा कम लग रहा है, हम 1 चम्मच और तेल डाल रहे हैं और फिर अच्छे से सबको मिला देते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके हमें कड़ा आटा गूंथना है। आटा हमारा अच्छा कड़ा गूंद गया है लो, इसके ऊपर हम 1 चम्मच तेल लेते हैं और अच्छा से कम लगा के रख देते हैं। इसको सेक करने के लिए 20 मिनट हम ढक के रख दे रहे हैं। 20 मिनट हो गया हमारा आटा को, एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं, फिर हमारा आटा रेडी है। हाँ, ऐसे करके एक लोई लेना है, जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा लेना है। और इसको हम आटा में थोड़ा ऐसे लगाएंगे और नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे हम बेलेंगे। हमारा पराठा बिल गया है और हम इसमें ये घी लगा रहे हैं। बाकी घी ऐसे बिना मेट हुए ही लेना है, इससे अच्छा बनता है। और इसे हम हाथ से फैला देते हैं। इसको हम उठा के आटा वाले साइड हम इसको ऐसे पलट लेते हैं और फिर उठा के हमको ऐसे ला लेना है। ये अच्छा पूरा आटा लग गया बराबर। अब इसको हम मोड़ेंगे ऐसे, ऐसे मोड़ना है हमको जैसे बचपन में हम पंखा बनाते थे खेलने के लिए, ऐसे मोड़ते जाना है। अब इसको हम ऐसे पलट के ऐसे मोड़ देते हैं। और इसको हम अब घी लगाएंगे। और थोड़ा आटा इसमें डाल देंगे। फिर इसको हम एक किनारा से ऐसे कड़ा दबाते हुए हमको राउंड करना है, राउंड शेप से लेना है।
और उठा के लास्ट है उसको ऐसे पकड़ना है और बीच में ऐसे दबा देना है। और फिर हमको आटा लेना है, ऐसे कर लेंगे और फिर मैं जो चपाती बनाते हैं बेलते हैं नॉर्मल वैसी बेलना है। ये हमारा पराठा बेल गया है और इसको हमें ऐसे उठाना है और ऐसे रख देना है। फिर इसी तरह फिर लोई लेंगे और इसको ऐसे अच्छा दबाएंगे, फिर बेलेंगे। हमारा चपाती बिल गया, इसमें हम फिर से घी लगाएंगे और इसको हाथ से बराबर चारों तरफ फैला देंगे। फिर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और आटा में ऐसे कर लेंगे, फिर उठा लेंगे और ऐसे रख देंगे। फिर अब हम ऐसे फ्रेम जैसे मोड़ते थे वैसे वापस फिर से बना लेते हैं। इसको हम फिर नॉर्मल पराठा जैसे बेल लेते हैं। हमने तवा गरम कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं और पराठा को उठा के ऐसे हमें डालना है। नीचे तरफ हमारा पराठा सिक गया है, इधर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और फिर हम इसको ऐसे पलट देते हैं और इधर भी तेल लगा लगा के अच्छे से दोनों तरफ घी लगा के सेकेंगे। जैसे जैसे पराठा पकते जाएगा वैसे वैसे इसका लेयर अच्छे से दिखते जाएगा। और हमारा पराठा पक गया है, इसको हम दोनों साइड देखो पूरा लेयर लेयर एक एक ठो ये दिख रहा है। हमारा पराठा पक गया है, अब इसको हम निकाल देते हैं और फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं और दूसरा पराठा डाल देते हैं। इसी तरह हमें पूरा पराठा को अलग पलट के दोनों तरफ सेक लेना है और सारे पराठा ऐसे ही बना देंगे हम बाकी पराठा। हमारा पराठा दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है, इसको हम अब निकाल लेते हैं। हमारा लेयर वाला पराठा बन के तैयार है। देखने में देखो कितना मस्त एक एक लेयर दिख रहा है, कितना सारा लेयर दिख रहा है। इसको नींबू की चटनी के साथ या टमाटर के चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए घी का उपयोग करना और घी पिघला वाला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल रहता है तब अच्छा बनता है। बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।